ट्रैफिक के चार ऐसे कवानी जिन्हें तोड़ना पाकिस्तानी काबिल फखर समझते हैं। पाकिस्तान में ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक के कवान की पासदारी ना करना एक आम सी बात बन चुकी है यहाँ तक कि जब हम दौराने ड्राइविंग ट्रैफिक के कवान तोड़ रहे होते हैं तो हमें ये एहसास तक नहीं होता कि हम ना सिर्फ बहुत बड़ी गलती कर रहे है बल्कि ये गलती हमारे लिए जान भी साबित हो सकती है हम यहाँ ट्रैफिक के चार ऐसे कवानीन की बात कर रहे हैं जिन्हें तोड़ते हुए पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं सोचते लेकिन ये गलती उनके लिए बड़े नुकसान का सबब बन सकती है ड्राइवर्स की फित्री ख्वाहिश होती है कि जब सड़क खाली हो या सड़क पर ज्यादा रश ना हो तो गाड़ी की रफ्तार काफी हद तक बढ़ा देते हैं किसी भी ड्राइवर की ये सबसे बड़ी गलती होती है रफ्तार की हद से तजावज करना कानून के मुनाफी है ये नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी आपको ब्रेक लगा पड़ सकता है पाकिस्तान में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना एक आम सी बात है कोई भी जिंदगी को महफूज नहीं रखना चाहता पाकिस्तानी खुद को इस खतरे का शिकार बनाती है पहले ड्राइवर कितने ही तजुर्बेकार हो कार ट्रक या बस कहीं से भी आ सकती है सिग्नल तोड़ना ना सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि आपके आस पास पैदल चलने वालों और दीगर मुसाफरों की जान को भी खतरे में डाल देता है अपनी हिफाजत का ख्याल पाकिस्तान में कम ही किया जाता है, खास तौर पर एक कार के अंदर ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट जरूर बांधे क्योंकि ये आपके तहफ उसके लिए बहुत जरूरी है ये बेल्ट इसलिए दिए गए हैं कि हादसे की सूरत में वो किसी शख्स को अपने निश्चित पर बुरा जमान रखें पाकिस्तान में ये खतरनाक बात तेजी से आम होती जा रही कि ड्राइवर खा वो कार के अंदर हो या मोटरसाइकिल पर वो किसी भी वक्त अपने फोन निकाल सकते हैं ड्राइवर हजरात दौरान ड्राइविंग ही फोन से मैसेज या कॉल करना भी शुरू कर देते हैं जो आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है आप हो जाते हैं मशगूल और अपनी आंखें हटा देते हैं सड़क से